आपका वेज जायका में स्वागत है। मैं इंद्रजीत कौर आप सबके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई पनीर की रेसिपी। वैसे तो पनीर की सारी डिशेस बहुत ही टेस्टी होती हैं, लेकिन कढ़ाई पनीर ऐसी डिश है जिसका अपना एक डिफरेंट सा बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो चलिए आज हम घर पर ही बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें साबुत गरम मसाले डालकर भूनेंगे। 1 तेजपत्ता, 7-8 साबुत काली मिर्च, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1-2 लौंग, 1 बड़ी इलायची। साबुत मसाले भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम बारीक चॉप किए हुए प्याज। इन प्याजों को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये जो प्याज हम भून रहे हैं इनका स्वाद ग्रेवी में कच्चा ना आए, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे ब्राउन होने तक। जब प्याज पिंक हो जाएं, यानी कि 50% भून जाएं, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। इसमें मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4-5 लहसुन की कली लेकर उन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन और अदरक को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सबको चॉप करके यूज़ किया है, इन्हें पीस कर यूज़ नहीं करना है। इनको बारीक चॉप करके यूज़ करने से इस चॉप्ड मसाले का ही कढ़ाई पनीर में स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब टमाटर में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, या अपने स्वाद के अनुसार नमक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब कढ़ाई को 2-3 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जिससे हमारा मसाला जलेगा भी नहीं और पक भी अच्छी तरह से जाएगा। ये देखिए टमाटर तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मसाले डालने से पहले हम गैस की फ्लेम को सिम कर लेंगे, जिससे हमारे मसाले जले भी ना और मसालों का टेस्ट और कलर बहुत अच्छा है। अब इसमें हमने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें धनिया पाउडर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे और सेम गैस पर अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। कढ़ाई पनीर को बनाते समय हम मसाले को जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही टेस्ट इसका बढ़कर आएगा। मसाला पूरी तरह से पक गया है और मसाले में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक अलग से फ्राई पैन लेके उसमें सब्जियाँ भून लेते हैं। अब गैस ऑन कर लेंगे और फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 प्याज, जिसे मैंने बड़े साइज में काट लिया है, ये देखिए इस तरह का। प्याज को 1/2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। इसके साथ में ही हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी प्याज की तरह बड़े साइज में काट लिया है, इसे भी 1/2 मिनट के लिए ही भूनना है। और अब इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी मैंने प्याज और शिमला मिर्च की तरह ही बड़े साइज में काट लिया है। टमाटर के अंदर का बीज वाला पोर्शन निकाल कर टमाटर को काटेंगे और टमाटर को भी हम बस 1/2 मिनट ही भूनेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ही कम समय के लिए भूनना है। कम पकी हुई सब्जियों का ही कढ़ाई पनीर में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे थोड़ी देर भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसे भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे बड़े साइज में कटा हुआ पनीर। पनीर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जियों का कलर कितना अच्छा आया है। ये सब्जी एकदम कलरफुल हो गई है। अब पनीर और सब्जियों को भुने हुए मसाले में डालकर मिक्स कर देंगे। पनीर और सब्जियां डालने से पहले इस मसाले में हम 1/4 कप पानी डालेंगे और अब गैस को कर लेंगे ऑन। अब प्याज, शिमला मिर्च, पनीर सबको मसाले में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई को ढक्कन से 1 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे कि हमारी सब्जियां और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सब्जी को ढके हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन उठाकर इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसे मिक्स कर देंगे और गैस को भी बंद कर देंगे। ये हमारी कढ़ाई पनीर हो गई तैयार। अरे, कढ़ाई पनीर तैयार होने में अभी एक स्टेप बाकी है। रेस्टोरेंट वाला तड़का तो हमने लगाया ही नहीं। तड़के के लिए एक छोटा फ्राई पैन लेकर 1 चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे। घी के गरम होते ही उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और 4 से 5 साबुत लाल मिर्च। मिर्च डालकर हम गैस को बंद कर लेंगे। गैस बंद करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च। इसे डालकर 1-2 सेकंड के लिए भूनेंगे। इस तड़के को कढ़ाई पनीर के ऊपर डालकर मिक्स कर देंगे। अब पूरी तरह तैयार हो गई है कढ़ाई पनीर। स्वाद में लाजवाब कढ़ाई पनीर को गर्मा गर्म चपाती, पराठा, नान या चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए और खाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।